नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा पाफिला। आज यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर हर तरफ जहां प्यार ही प्यार बिखरा है, हर कोई इस दिन अपने प्यार के रंग में रंगा नजर आ रहा है। वहीं इस खास दिन पर अगर हम बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की बात ना करें तो वैलेंटाइन डे कुछ अधूरा सा लगेगा। जी हाँ, आज के इस प्यार भरे दिन यानी कि वैलेंटाइन डे पर मधुबाला का जन्म हुआ था। आज उनका जन्मदिन है। मुगले आजम की अनारकली यानी कि मधुबाला आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी उनके चाहने वालों के मन में जिंदा है। उन्होंने फिल्मों में कई प्यार भरे सीन निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। आज इस खास मौके पर जानते हैं उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। मधुबाला के करोड़ों चाहने वाले थे, उनके एक इशारे पर हजारों की भीड़ लग जाती थी। मधुबाला की एक मुस्कान पर जहां हर कोई अपना दिल हार बैठता, आप यकीन करेंगे कि जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी, वो खूबसूरत हसीना भी किसी एक के प्यार में पागल हुआ करते थे। जी हाँ, मधुबाला एक एक्टर के प्यार में पागल थी, और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी साल 1951 में आई फिल्म तराना के सेट से शुरू हुई थी। जहां आमतौर पर लड़का लड़की को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करता है, वहीं मधुबाला ने इसके अपोजिट जाकर दिलीप कुमार को गुलाब का फूल भेंट कर अपने प्यार का इजहार किया था। उन्होंने एक पर्ची में लिखा था कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। इसके बाद दिलीप कुमार ने मुस्कान भरे अंदाज में मधुबाला के इश्क को रजामंदी दे दी। जिस तरह मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी, ठीक वैसे ही धीरे धीरे उनकी दीवानगी भी एक्ट्रेस की तरफ बढ़ने लगी। वो इस कदर मधुबाला के प्यार में पागल थे कि अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर वो पहुंच जाते थे जहां पर मधुबाला की फिल्म की शूटिंग हो रही होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका मिलना मुकद्दर में होता ही नहीं है, वो रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। मधुबाला और दिलीप कुमार की किस्मत को भी शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था। दोनों का प्यार ज़्यादा दिनों तक चल ही नहीं सका और दोनों की राहें जुदा हो गईं।